डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन से है और डॉक्टर साहब जो है बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं और इनको एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हांगकॉन्ग वेब कंसोर्शियम ने दिया, यूनेस्को और AIOU ने बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर साहब ने AAOU के प्लेटफॉर्म के अंदर इंडोनेशिया का फेलोशिप हासिल किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है वो AIOU की डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं उनके मेंबर हैं और एक दहाई से AIOU से दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं फॉर्मली वेलकम करता हूँ और डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, जो साइंस एजुकेशन की टर्म है, ये कितना यूनिक डिपार्टमेंट है और कितना ये इम्पोर्टेंट है जो है ना स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड IIT का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम बता सकें कि हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और इसकी इसका नामनक्लेचर और क्या सिचुएशन है इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि जो साइंस एजुकेशन है, इट्स अ साइंस टीचर एजुकेशन। ओके। सो बेसिकली व्हेन वी डिफाइन द साइंस, देर आर बेसिक साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज, तो उन दोनों के टीचर्स को तैयार करना, दिस इज़ द वन थिंग जो साइंस एजुकेशन का कंसेप्ट कंसीव किया गया इनिशियली। आपको भी डॉक्टर साहब पता होगा और स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि एजुकेशन जो है AIOU में एक फैकल्टी बनी, उस फैकल्टी में एक डिपार्टमेंट और फिर उस डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है इमर्ज हुए। तो जब यूनिवर्सिटी ने ये फील किया कि हमारे यहाँ साइंस टीचर्स की बहुत अशद ज़रूरत है और उनकी स्किल जो है वो ये हमारी पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट किया गया कि उनकी वो स्किल्स नहीं है जो स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक होनी चाहिए, तो उस वक्त अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और अलॉन्ग विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने ये फील किया और एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट और साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो है, और इसके जो पहले चेयरपर्सन थी डॉक्टर कुदसिया रिफत, उन्होंने बहुत काम किया ताकि इसको वो इस्टेब्लिश कर सकें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तफसील के साथ साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनिकनेस का जिक्र किया और आपने ये कहा कि साइंस एजुकेशन एक्चुअली साइंस टीचर एजुकेशन है, तो आप साइंसेज के लिए टीचर्स जो है वो प्रिपेयर करें जो साइंस को टीच करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस डिपार्टमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट जो ये डिपार्टमेंट ऑफर करता है? डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स, इससे पहले के जब HEC ने 1 ईयर 2 ईयर्स डिग्री और 1 ईयर BEd को फ़ेज़ आउट किया, इससे पहले जब ये हम BEd ऑफ़र करते थे जिसमें साइंस के डिसिप्लिनस यानी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ फिज़िक्स, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री, ये ऑफ़र करते थे। ठीक है। उसके साथ क्योंकि पाकिस्तान में मास्टर्स इन आर्ट्स एंड एजुकेशन ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रहा है एजुकेशन में, तो इसके लिए हम जो है टीचिंग ऑफ फिज़िक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी और टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री, ये वाले कोर्सेज ऑफर करते थे अलॉन्ग विद सेकेंडरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में या ये वाले प्रोग्राम हमारे जाते थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब स्टूडेंट BEd कर लेते हैं तो उनको MEd का रूट दिया गया और उस MEd में हमें साइंस एजुकेशन का डिसिप्लिन डिफरेंटली जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन, असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट और टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस एजुकेशन, तो ये वाले जो 4 कोर्सेज हैं दीज वर द कोर कोर्सेज जो इस प्रोग्राम को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर प्रोग्राम्स। तो वो स्टूडेंट जब ये स्किल लेके आता है, उसे पता होता है कि फाउंडेशन साइंस के बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, तो देन ही इज़ बिकमिंग अ मोर कॉम्पिटेंट टीचर एंड वाइल एंटरिंग इन टू द क्लासरूम उसका बिलीव ये होता है कि मैंने साइंस को सिखाना है रेदर देन द नॉलेज और रिमेम्बरिंग की तरफ। फिर MEd के बाद हम जो है ऑफर करते हैं MPhil का प्रोग्राम। MPhil में भी इन्हीं 4 डिसिप्लिनस को ICT को ऐड करके, यानी करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ICT, दीज आर द कोर प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद कोर कोर्सेज अलॉन्ग विद
ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन साइंस एजुकेशन, तो हम एक इन स्टूडेंट्स की एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो रिसर्च कंडक्ट कर लें, क्योंकि जो ऑलरेडी रिसर्च के कोर्सेज हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर एम्बेडेड है। फिर हम जाते हैं PhD की तरफ, तो PhD भी हमारी स्पेशलाइजेशन है। माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं दे आर कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस एजुकेशन और उन साइंस टीचर्स के डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग-अलग अलग-अलग डिसिप्लिन्स मौजूद हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन, फिजिक्स एजुकेशन, बायोलॉजिकल एजुकेशन और साइंस के मज़ीद डिसिप्लिन्स अमर्ज हो रहे हैं। तो इसलिए इन फ्यूचर हम ये सोच रहे हैं कि हम भी कोई इस तरह के डिसिप्लिन्स लॉन्च करें जिसमें स्टूडेंट्स रिसर्च कंडक्ट करें और वो ग्लोबली कम्पीट कर सकें अपने उनके साथ। बिल्कुल सही। तो ये एक स्ट्रीम, और दूसरी स्ट्रीम ने हमने BEd 4 ईयर लॉन्च किया साइंस एजुकेशन, BEd साइंस एजुकेशन और उसके डिसिप्लिन्स। फिर उसमें हमने लैब वर्क को इंट्रोड्यूस किया जो को, और इसी तरह हमने जो BSc करके आने वाले लोग हैं उनके लिए BEd 2.5 जो है ऑफ़र किया, जो अभी भी हमारा प्रोग्राम जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे, और बहुत सारे टीचर्स उसको ले रहे हैं, दे आर गोइंग टू इक्विटेबल विद BEd 4 ईयर्स। और इसके साथ साथ हम एक डिसिप्लिन साइंस एजुकेशन का ऑफ़र करते हैं BEd 1.5 के लिए। कोई अगर मास्टर्स करके आता है या किसी ने अदर देन एजुकेशन कोई BS या 4 ईयर डिग्री की होती है तो वो BEd 1.5 में आ सकता है ताकि टू बी अ फ्यूचर टीचर। सही डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ प्रोग्राम्स का तذکرہ किया। इन प्रोग्राम्स का जो क्राइटेरिया है, मसलन BEd 1.5 है, उसके लिए कोई डिवीजन का कोई आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कितने उसके, आपने जैसे बताया कि मास्टर्स करके आप BEd 1.5 साइंस एजुकेशन कर सकते हैं, तो इसमें कोई जो डिवीजन का क्राइटेरिया है ओवर द डिग्रीज, वो भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी होगा कि जिसने भी जो BS किया, चाहे फिजिक्स, मैथ और किसी भी साइंस के डिसिप्लिन में, साइंस सब्जेक्ट में, तो वो या मास्टर्स किया प्रीवियसली, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने MSc की हुई है, तो वो BEd 1.5 में एडमिशन ले सकते हैं अगर उन्होंने सेकंड डिव अचीव की हुई है। ठीक है, ठीक है। और जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो देन उनका एक क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर जो स्पेसिफिकली साइंस का है, और फिर थर्ड सेमेस्टर में जिसमें टीचिंग प्रैक्टिस है और रिसर्च है, तो है। वो उन्होंने साइंस डिसिप्लिन में कंडक्ट करनी होती है। तो इससे उनके साइंस के वैल्यूज़, बिलीफ और स्किल, ये जो है साइंस एज ए साइंस टीचर वो डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह जो BEd 2.5 है उसमें जो BSc करके आता है, बैचलर डिग्री करके आता है, 2 साल वाली डिग्री करके आता है, उसके लिए हमने रखा क्योंकि HEC की भी रिक्वायरमेंट थी कि एक सेमेस्टर आप एक्स्ट्रा लगा के, तो उसको देयरफॉर हमने 2.5 जो है ऑफ़र किया। और उसके लिए भी हमने कंप्रिहेंसिवली कंटेंट के कुछ कोर्सेज, अगर कोई मैथ के डिसिप्लिन में आता है, मैथ और फिजिक्स के कम्बिनेशन के साथ, तो हम उसे मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर वो केमिस्ट्री और बायो के साथ आता है तो उसको वो कंटेंट के कोर्स पढ़ाने के बाद हम टीचिंग की तरफ लेके जाते हैं। सर, बीए और बीएससी में उसकी सेकंड डिवीजन होनी लाजमी? बीए और बीएससी में सेकंड डिवीजन होनी लाजमी है, बिल्कुल। और इसी तरह डॉक्टर साहब, जो MEd या MA जो है ना वो करना चाहता है साइंस में, तो उसके लिए BA या BSc में सेकंड डिवीजन फिर रिक्वायर्ड होगी? जी, जो एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये जो MEd है इस पे बड़े इश्यूज आते हैं। अगर आपने MEd करना है साइंस डिसिप्लिन में या किसी भी डिसिप्लिन में हमारे एजुकेशन फैकल्टी में, तो आपके BA, BSc और BEd इन दोनों में आपकी सेकंड डिव होनी चाहिए। अगर सेकंड से लेस है BA में या कुछ, तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैं डायरेक्टली MEd कर सकता हूं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप BEd कंपलसरी है आपका MEd करने के लिए। तो सर, अगर साइंस में उन्होंने MEd या MA साइंस एजुकेशन करना है, तो क्या पीछे अगर उसने BA रखा हुआ है, साइंस एजुकेशन नहीं पढ़ी पहले BSc, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकेंगे? ये डॉक्टर साहब, अगर उसने BA किया है लेकिन उसने FSc की हुई है,
ओके वो तो फिर हम उसको ले लेते हैं ताकि उसको मैथ्स टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये उसे आता हो, अदरवाइज अगर कोई आर्ट्स के साथ थ्रू आउट आता है तो वो साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने ज़्यादा वर्सटाइल प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें BA 2.5, BA 1.5, फिर फोर ईयर प्रोग्राम भी है BA और उसके बाद MA साइंस एजुकेशन, MPhil और PhD। डॉक्टर साहब, कोई फैकल्टी का भी हमें ज़रा तारुफ करवाएं कि स्टूडेंट्स को ये पता चले हमारे पास वर्सटाइल फैकल्टी भी मौजूद है इन प्रोग्राम्स के। डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस फैकल्टी को जान लेना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर नासर महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इज़ आल्सो चेयरमैन ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड ही इज़ हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस एजुकेशन और हमें जो है उनकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल एज असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस एजुकेशन में मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री और मेरी अपनी PhD मैथमेटिक्स एजुकेशन में है। उसके बाद हमारे पास वन अदर असिस्टेंट प्रोफेसर अज़र मजीद कुरैशी साहब हैज जॉइंड, देन वी आर हैविंग अ टू लेक्चरर्स, सो अ रिच फैकल्टी इज़ देयर। अलॉन्ग विद दैट हमारे फैकल्टी के अंदर साइंस के मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जो हमें रिसर्च में और मुख्तलिफ कमेटीज़ में हेल्प करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक साइंस की रिच फैकल्टी साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद है जो कि ये सोच के और आपके प्लानिंग के मुताबिक प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं जाके जो मार्केट के मुताबिक हो। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मार्केट का जिक्र किया तो मेरा सवाल ये भी है कि ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं साइंस एजुकेशन के, ये कितने मार्केट ओरिएंटेड हैं और अगर स्टूडेंट्स इनमें दाखिला लेते हैं तो उनको जॉब सिक्योरिटी या जॉब सेफ्टी या जॉब के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें कैसे ये मददगार हो सकती है? डॉक्टर साहब, इसमें आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू के जितने भी साइंस टीचर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उसमें से मेरा ये क्लेम अगर गलत नहीं है तो 75% AIUU के ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने साइंस की डिग्री साइंस टीचर की डिग्री जो है वो AIUU से ली है। और ये सिर्फ इसलिए है कि इसके बल्कि आई विल शेयर कि मेरे अपना MEd जो है वो AIUU से है और मैंने यहीं से वो स्किल्स सीखी हैं कि साइंस टीचिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो हम साइंस का वन अदर थिंग इज कि साइंस का जो ग्रेजुएट होता है दैट इज अ शार्प स्टूडेंट, तो जब उसको मटेरियल मिल जाता है तो देन ही रेज क्वेश्चन वो पढ़ने के बाद और फिर वो सीखना शुरू करता है और फिर वो अप्लाई करना शुरू कर देता है इनटू एक्चुअल सिचुएशन, जो भी वो किताब के अंदर पढ़ता है वो अप्लाई करता है, देन ही इज़ गोइंग टू डिस्कस विद दैट। तो ये वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, शुरू में BEd था, अब जो है हमारा MEd और उसके अलावा जो BS प्रोग्राम है 2.5 BEd और 2.5 फोर ईयर और 2.5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप और अब हमारी वर्कशॉप में, तो दे आर वेरी मच हैप्पी अबाउट द कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग और अबाउट द कंटेंट एंड द डिलीवरी मेथड। वी आर हैविंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोविड बिकॉज हमारी जो जो लैब्स थी वो उस तरह नहीं हो रही, तो हम उसे वर्चुअल पे ले गए, लेकिन स्टूडेंट्स आर हैप्पी इवन देन कि वो वर्चुअल लैब का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमने एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए जो मैनुअल बनाए उसको हम फिजिक्स 3 फिजिक्स 5 केमिस्ट्री 5 बायोलॉजी 5, तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है जो कि हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये हमारे टीचर हैं तो टीचर्स को हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को उन एक्सपेरिमेंट्स की नो हाउ दे देते हैं और वो फिर उसको यूट्यूब पे जाके या जो भी लिंक उन्हें प्रोवाइड किया जाता है वो उसे देख लेते मतलब हैं, तो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं जिनसे स्टूडेंट घर बैठ के भी। डॉक्टर साहब, अब ये हमारे टीचर हैं तो इनके पास लैब ऑलरेडी अपने स्कूल में मौजूद होती है, तो ये वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद से और फिर अपने स्टूडेंट्स को भी उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो इसलिए ये वाले जो प्रोग्राम है ये बड़े मार्केट ओरिएंटेड और स्टूडेंट्स लव दिस प्रोग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो अभी आपने जिक्र किया कि कोविड की वजह से आप यूनिवर्सिटी जो है उसने अपने जो रूटीन वर्क को LMS पे शिफ्ट कर लिया, ऑनलाइन चले गए,
और चूँकि ये प्रैक्टिकल नेचर के भी कोर्सेज थे, इसमें लैब वर्क था, जैसे कि आपने बताया कि वीडियोज़ अवेलेबल हैं और टीचर्स ऑलरेडी चूँकि लैब्स में काम कर रहे हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये क्या आगे भी हम इन फ्यूचर LMS के ऊपर हम प्रोग्राम्स को रखेंगे या क्या आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं प्रैक्टिकल वर्क को कैसे? डॉक्टर साहब ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि जो हम वर्कशॉप करते थे वो वर्कशॉप तो LMS पे ही रहेगी, ठीक है, ठीक है, जो कि हर कोर्स की वर्कशॉप है। इन फ्यूचर जो टीचिंग प्रैक्टिस है दैट नीड अ फेस टू फेस कंपोनेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने कुछ सिखाना होता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह करे ये कोविड जो है वो ख़त्म हो और हम नॉर्मल की तरफ जाएं, तो वहाँ पे हम जो ये रिसर्च है और टीचिंग प्रैक्टिस है इसको हम फेस टू फेस लाएंगे, और जो हमारी लैब वर्क है इसको हम हाइब्रिड मॉडल पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डेवलप द मैनुअल, तो स्टूडेंट उसको वीडियो को देखेगा, देन वी विल अरेंज सम लैब जहाँ पे जो हम कंटेक्ट करते हैं हमारे रीजनल ऑफिसेज मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट जाके परफॉर्म करेगा और हम उसके लिए एक ट्यूटर जो है और फिर उसकी असेसमेंट भी हम इस तरह करेंगे। तो करंट सिचुएशन में हम उनको जो है ये लैब वर्क वर्चुअल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के कोर्सेज अपने उस पर LMS पे ऑफ़र करते हैं, और मैंने ऑब्ज़र्व किया हमारे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने इसे बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा कि ये मैथ्स का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने देखा हमारे रिसोर्स पर्सन उसे पेपर पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसको पिक्चर कैप्चर करके अपलोड करते हैं, एंड देन द स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस, तो वो एक जो पिक्चर है वो लाइक अ राइटिंग बोर्ड काम करती है और फिर वो एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। तो इससे जब हम एक कंसेप्ट था कि मैथमेटिक्स और साइंसेस शायद फेस टू फेस ही पढ़ाई जा सकती हैं, तो हमारे रिसोर्स पर्सनस हमारे टीचर्स इसमें इनोवेशंस ला रहे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स और टीचर और रिसोर्स पर्सन का एंगेजमेंट लेवल बढ़ गया है। सही डॉक्टर साहब, ये तो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वैसे भी एक एजाज़ की बात है कि कोविड की सिचुएशन में जिस तरह सक्सेसफुली डिफरेंट प्रोग्राम्स को अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर किया, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके नॉलेज में भी है कि अब साइंस एजुकेशन के लिए तो जो है वो डिजिटल वाइट बोर्ड भी आ गए हैं कि जो आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखें उसको सॉल्व करें और वो सारे का सारा जो है स्टूडेंट्स उनको बोर्ड वो नज़र आता रहेगा और उनके साथ वो शेयर हो जाएगा ऑनलाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फ्यूचर अब हम देख रहे हैं साइंस एजुकेशन के हवाले से, तो डिपार्टमेंट का अब विजन किस डायरेक्शन में है? क्या हम कोई नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहे हैं इन फ्यूचर इनकमिंग सेमेस्टर्स या इनकमिंग ईयर्स? डॉक्टर साहब, एक तो जो कोर प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि मुझे यहाँ पे शेयर कर देना चाहिए कि हमारा मुख्तलिफ पीछे 2-3 डिकेड्स से हम अप्लाइड साइंसेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और हम बेसिक साइंसेस की तरफ हमारा, यानी आप देखें तो एक एरा था जब ICT और कंप्यूटर की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन था, जब सेचुरेशन हो गई फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ आ गए, अब हम रिटर्न बैक कर रहे हैं बेसिक साइंसेस की तरफ। तो यहाँ पे एक तो ये है कि हम बेसिक साइंसेस के प्रोग्राम्स जो है उसमें कंटेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे डिफरेंट अलाइड डिसिप्लिन्स लाइक मेडिकल, वोकेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके पास टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होती, तो हम इनके लिए डिप्लोमास लॉन्च करने जा रहे हैं। मेडिकल का डिप्लोमा ऑलमोस्ट हमारा रेडी है और हम मुख्तलिफ बॉडीज से गुजर चुका है, तो हम लॉन्च करेंगे ताकि डॉक्टर्स आके ये सीखें कि हाउ टू टीच। इसी तरह हम इंजीनियर्स के लिए और वोकेशनल टीचर्स के लिए जो है टेप्टा के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस आते हैं उसमें जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हम डिप्लोमास और डिग्रीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि ये फ्यूचर में इनको जो है ज़बरदस्त हेल्प हो सके। डॉक्टर साहब, ये डिप्लोमा 1 ईयर का होगा या 1 सेमेस्टर का होगा? जी ये कर रहे हैं तो BS इंजीनियरिंग के वाला, BS इंजीनियरिंग, और अगर हम डॉक्टर्स की कर रहे हैं तो MBBS
किया होगा तो वो पर्सन, ताकि वो आके उनके प्रैक्टिकल नेचर का, चूंकि वो उसको अप्लाई कर सके प्रॉपर्ली, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं। और इनको डॉक्टर साहब हम ऑनलाइन ही ऑफर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए किसी सेंटर पर आना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो अपने टाइम से या टाइम निकाल के जब ये लर्न करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी अ टीचर फॉर देयर ओन कम्युनिटी, और वे उनको लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें साइंस एजुकेशन के हवाले से? सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे स्टूडेंट टीचर्स, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए ये उनको मशवरा है कि आपने नॉलेज, डेफिनेटली नॉलेज तो गेन करना चाहिए, स्किल भी गेन करनी चाहिए, लेकिन आपको स्किल फॉर लर्निंग गेन करनी है, ताकि जो फ्यूचर है हमारा वो चेंज आ रहा है। द ओनली थिंग परमानेंट इन वर्ल्ड इज़ चेंज, सो यू हैव टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर चेंज। तो अगर आप वो स्किल, लर्निंग की स्किल हासिल कर लेंगे तो यू विल बी एवरीवेयर, यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये इंशाल्लाह हम भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, उनको प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो जो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, लर्निंग के प्रोसेस को, और लर्निंग की स्किल गेन कर लें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा तफसील के साथ जो है वो डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया, और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी पहुंचेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ी तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो बीएड 1.5 से लेके पीएचडी तक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, और इन फ्यूचर डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि डॉक्टर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए और वोकेशनल जो लोग हैं टेवटा के हवाले से, और उनके लिए भी डिप्लोमास जो है ना वो ऑफ़र किए जाएं इन फ्यूचर। तो आपको डॉक्टर साहब ने आखिर में बड़ी अच्छी बात बताई कि सिर्फ नॉलेज और स्किल्स को आप, चूँकि चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज भी, तो आपको चेंज को देखते हुए अपने आप को भी तब्दील करना है, और वक्त के साथ साथ आपने स्किल्स में अपनी चेंज लाना है, और उनको कैसे आपने सीखना है इस पर भी ज़ोर देना। आखिर में मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, खुदा करे यहाँ जो फूल खिले खिला रहे खिजां को गुजरने की मजाल ना हो। AIOU फैकल्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।